तो स्वागत है भाइयों आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे सामने मूर्ति है नत्थन पहलवान जी की, जो है सौंद से, और सौंद मेरा भी गांव है। जैसा कि आज आप देख पा रहे हो, आज यहां पर हुआ है भगवत सप्ताह का, भगवत गीता का सप्ताह, आज उसका प्रसाद ग्रहण है। और जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हो, ये है हमारे गाँव का सूरजकुंड मंदिर। जी सही सुना आपने, सूरजकुंड मंदिर। जो सूरजकुंड है, ऐसे हमारे पूरे भारत में 1100 कुंड हैं, जिनमें से एक कुंड हमारे गांव में। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, पूरे गांव के लोग प्रसाद पाने आए हुए हैं। राधे राधे भाई जी, क्या कहना चाहोगे? आज हम अपने गांव में आ चुके हैं भैया, गांव में आ चुके हैं जी, और भंडारा बहुत जोर को जी। भूदेव जी धरती के मालिक, और ये हमारे रोहतास भैया, राम राम। रोहतास भैया प्रसाद ले लिया। तो जैसा कि भाइयों आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ बैठे हैं हमारे अरुण जेलदार जी, जो बामन पालों के अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं मंदिर के बारे में कुछ। राधे राधे जी। तो स्वागत है आपका जेलदार साहब हमारे चैनल में, ब्रिज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी में। आप सबका भी स्वागत है सौंद में पधारने पे। ब्रिज का सबसे बड़ा गांव, ऐतिहासिक गांव है सौंद, जो ब्रिज 84 कोस के अंतर्गत आता है। और आप इस समय बद्रीनाथ मंदिर है जो ब्रिज 84 कोस में आता है, ब्रिज 84 कोस में जो आता है, और ब्रिज 84 कोस का सबसे बड़ा गांव की श्रेणी में सौंद गांव आता है। यहां पे ठाकुर जी की मूर्ति है, लगभग 2000 वर्षों से जो पुरातत्व विभाग यहाँ पे आके गया था, पहले हरियाणा सरकार की तरफ से भेजा गया था, तो वो 2000 वर्ष पुरानी ठाकुर जी की मूर्ति है, बद्री नारायण की मूर्ति है जो यहाँ पे स्थापित है। और सूरजकुंड कुंड है, जहाँ पे कहते हैं कि भगवान सूर्य की और बद्री नारायण महाराज की एक बार वार्तालाप हुई है, भेंट हुई है, तभी से मंदिर स्थापित है। और पूरा कह सकते हैं कि प्राचीन मंदिर है, और अपने आप में सौंद ठाकुर जी के आगे लालदास बाबा, हमारे बिजार देवता है बिजोकरा मंदिर, वहाँ के महंत हैं बाबा। राधे राधे बाबा, आप सबके सामने बाकी गांव की सरदारी है, युवा है। आज यहाँ पे भंडारा प्रसाद हुआ है, जो हमारे परशुराम दास जी बाबा महंत हैं, आज उन्होंने 31 मंडलों को यहाँ पे बुला के उनकी दक्षिणा प्रसाद, भोजन प्रसाद, और पूरे गांव का यहाँ पे भोजन प्रसाद किया है। और उन 31 मंडलों ने आज बाबा को श्री महंत बनाया है, तो अब हमारे यहाँ पे उस मंडल के अंदर 32 मंडल हो गए हैं, जिसमें बाबा भी अब 32वें श्री महंत हैं। तो आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे सुबह से ही भंडारा प्रसाद चल रहा है, आप देख भी रहे होंगे। हो सकता है शायद थोड़ा लेट आए, लेकिन बहुत बड़ी व्यवस्था थी। 7 दिन से भागवत का लगातार भागवत प्रसाद हो रहा था यहाँ पे, तो उसी के अंतर्गत यहाँ पे सब लोग अभी कह रहे हैं कि आगे और किस तरह से, क्योंकि एक महीने बाद फिर से बाबा कर रहे हैं पूरा गाँव का भंडारा प्रसाद, राम कथा करा रहे हैं। और इसके बाद लगभग 2 महीने बाद जो हर वर्ष यहाँ पे एक लगभग 60 वर्षों से जो जोत जल रही है, अखंड जोत देसी घी में जल रही है, उसके तहत हर साल जो लगभग 50-60 मन के पुआ उतारते हैं, और लगभग 1 मन घी जिसमें लगता है, इसके बाद वो भंडारा प्रसाद होगा। तो ये ब्रजमंडल है, यहाँ पे ठाकुर जी के आशीर्वाद से सब ब्रजवासी मिलजुल के प्रयास करते हैं, भोजन खुद भी, प्रसाद खुद भी पाते हैं, और सभी अतिथियों को प्रसाद पवाते हैं जी। तो हम अरुण जेलदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस जानकारी के लिए जी। तो भाइयों जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हो, ये हमारी गांव की माता का मंदिर, जो सूरजकुंड मंदिर पर स्थित है। और जैसा कि बाहर शहरों में बोला जाता है बच्चे का मुंडन होता है, हमारे गाँव में बोलते हैं कि बच्चे यहाँ मुंडवाए जाते हैं। तो यही जगह है जहाँ हम भी कभी मुंडे होंगे, हमारे दोनों बच्चे भी यहीं मुड़े हैं। इधर पड़ता है आपका सूरजकुंड, जहाँ मैं अभी आपको थोड़ी देर में ले जाता हूँ। जैसा कि भाई आप देख सकते हो, मेरे सामने खड़े हैं जीतू भाई। जीतू भाई क्या कहना चाहोगे, आज हम अपने गांव में आए हैं? तो भैया कहाँ के हैं, गर्मी लग गई क्या? गर्मी कर रही है। और भाई जी राधे राधे। राधे राधे भाई, क्या कहना चाहोगे भाई जी? भाई आप हमारे गांव में आए हो, आपको आने पर बहुत वेलकम है, और आप यहाँ आए
हमको हमारे मंदिर को प्राचीन जो मंदिर से जुड़ी हुई बातें हैं उनको दिखाने के लिए आप यहाँ पर आए हो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और आगे भी आपसे इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। राधे राधे भैया। राधे राधे। तो भाइयों जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हो यही है सूरज कुंड। इस जैसे धरती पर 1100 कुंड और जिनमें से ये एक है। इसका उल्लेख आप देख सकते हो भागवत गीता में भी है जो श्री कृष्ण जी के प्रपोत्र ने किया हुआ है। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हो ये हमारे गांव के कुछ भाई बंधु इसमें नहा रहे हैं। राधे राधे भाइयों। आनंद आ रहे हैं। जैसा कि भाइयों आप मेरे सामने देख रहे हो यही है हमारे सूरज कुंड जी का मंदिर श्री बद्रनारायण। आपने सही सुना, श्री बद्रनारायण ये वही मंदिर है जो हमारे चार धामों में से एक है श्री बद्रीनाथ। हमारे गांव के कुछ बूढ़े बड़े कभी वहां गए होंगे तो उसके बाद उनके जैसे बस की नहीं रहा होगा, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आप हमारे ही गांव में आ जाइए। उसके बाद श्री बद्रीनारायण जी यहां अपने आप, जो हमारे आपने कुंड देखा था यहां उनकी मूर्ति प्रकट हुई थी अपने आप। जैसा कि भाइयों आपको मैंने आज बताया था मैं आ चुका हूँ आज अपने ही गांव के सूरज कुंड मंदिर में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हमारे मंदिर के मेन महंत जी हैं। राधे राधे महाराज। तो महाराज जी आप हमें कुछ मंदिर के बारे में बताइए ताकि हमारे श्रद्धालु भी इसके बारे में जान सकें और यहाँ आ सकें। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर रहा है, करीबन हमारे पास में इसका इतिहास मिलता है हमें 2000 साल पुराना। तो 2000 साल से ही ये आश्रम चलता चला आ रहा है। अनादि विष्णु स्वामी संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ है और ये हमेशा चल रहा है। साल में दो तीन चार भंडारे हमारे होते रहते हैं और ये कथा कीर्तन सब यहाँ होता रहता है। बहुत अच्छा कार्य है। और हाँ, मेरा नाम महंत परशुराम दास है, मैं यहाँ का महंत हूँ। और जिस युग जो है पहले मेरे गुरु जी थे, उनसे पहले उनके गुरु जी थे और वो संप्रदाय के अनुसार जो है एक दूसरे के आधार पर चलता चला आ रहा है। महंत जी आने के लिए यहाँ कैसे आना होगा श्रद्धालुओं को? आने के लिए आप होटल आइए, होटल से मूरोल पकड़ करके सौंद गांव पूछिए। 4 किलोमीटर पड़ता है सौंद गांव होटल से सौंद। और यहाँ आप किसी से भी पूछते हैं, सूरज कुंड मंदिर हमारा दूर दूर तक विख्यात है। क्या कैसे पूछोगे, आपको हर बच्चे बता देगा आपको। अच्छा महाराज जी मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा। मैंने जिम्मा उठाया पूरे ब्रिज के मंदिरों को दिखाने का जो भी हमारे हरियाणा में आते हैं। मेरे चैनल का नाम है ब्रिज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी। मैं भी सौंद गांव का रहने वाला हूँ, मुझे आपके आशीर्वाद की पूरी जरूरत है। तो हम लेते हैं महंत जी का आशीर्वाद और शुरू करते हैं अपना ये नेक कार्य। राधे राधे। तो भाइयों हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गांव के बहुत ही प्रिय भाई जिनका नाम है मेघश्याम पहलवान जी। तो पहलवान जी क्या कहना चाहोगे मंदिर के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे गांव का जो सूरज कुंड मंदिर है 1100 कुंडों में से एक कुंड है, यहाँ इसको देखने के जरूर आए। और यहाँ हर साल सावन का महीना में भंडारा होता है, यज्ञ होती है। और अब इन्होंने भागवत सप्ताह का महाराज जी ने जो बचवाया है हमारे यहाँ, तो वो 70 मंडल बुलाए हैं और सभी को महात्मा को जो दान पुण्य दे के उनको सम्मानित करके 70 मंडलों के अध्यक्ष बन गए हमारे महाराज। और जरूर एक बार आइएगा और देखिएगा हमारे सूरज कुंड मंदिर को एक बार। जैसा कि आपने सुना कितना अच्छा फंक्शन रहा है हमारे मंदिर का और आप पीछे देख सकते हैं हमारे मेघश्याम भाई जी के बच्चे हैं। राधे राधे करो बच्चों। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।